हाँ सर, जो अभी जो आप शपथ पत्र वगैरह डाल रहे हैं सर्वश्रेष्ठ भारत पार्टी का, तो पार्टी अभी अभी क्या बनने वाली, रजिस्टर होने वाली है? बिल्कुल सही, क्योंकि जो चंद्रगुप्त जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उनको अपन प्रॉमिस जी कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा और दूसरे अच्छा जेब से निकाल के विधायक का टिकट देंगे। तो टिकट तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि आपकी जेब में पार्टी ना हो। बिल्कुल सही बात है। तो आपके द्वारा किया जा रहा है ना सर, पार्टी वाला भी मतलब बिल्कुल बिल्कुल, मुख्य सब कुछ मेरे समिति के द्वारा ही द्वारा? किया जा रहा है, लेकिन ये दो अलग अलग एंटिटी हैं। एक जी मिशन है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी लोग, राष्ट्रीय शासकीय सेवा के सभी लोग जुड़ सकते हैं, और दूसरा जी जो है पार्टी है, पार्टी का रोल जो है बड़ा सीमित है। वो सामान्य पार्टियों जैसी नहीं है, ना वो आपका अच्छा चुनाव प्रचार करेगी ना आपका कुछ करेगी। उसका सिंपल एक में ही काम है, जो अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित करेंगे उनको के पास चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट लेके और विधायक का टिकट लेके पहुंचेगी। उसका बस इतना ही काम है। ठीक है ठीक है, उसमें डायरेक्ट प्रमोशन हो जा रहा है आपका, आप उस एलिजिबल हो, तो यू कैन डू बिल्कुल आप ये ठीक कह बहुत। रहे हैं। हाँ हाँ और इसके बहुत सीमित मात्रा में होगा ये, और जो उसकी उसके योग्य होगा और उस दक्षता में कुशल होगा उसके लिए ही है। ऐसे कोई सामान्य पार्टी ऐसा झंडा डंडा उठा के घूमने वाला मामला नहीं रहेगा ना वहाँ पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चलिए, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम श्रीकांत वैष्णव है, और काफी बार जो मीटिंग पे मिले हुए हैं हिस्ट्री में ऐड पर। ओके 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 जी, और एक्चुअली मैं भी पॉलिटिकल का है मेरा, है ना, फॉर्मेशन का और ये सब चीजों का, इसलिए अच्छा मुझे लगा कि बात करना चाहिए। मैं भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हूँ, काफी चुनाव में काम किया हुआ है ना। देखो, बेसिकली आज के जो राजनेता और जो राजनीति है दोनों में जी सड़ान जी और बदबू आने लगी है। इसलिए हाँ, ये तो क्राइम है। फ्री भारत कह रहा है कि हमारे जो चंद्रगुप्त उभर के आएंगे ना वो राजनेता होंगे ना वो राजनीति करेंगे, वो बिल्कुल राष्ट्रनेता बिल्कुल होंगे और वो राजनीति करेंगे, और राष्ट्रहित सर्वोपरि होगा। 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारना ही महालक्ष्य होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल ताज ताज जो है, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर नंबर वन पे आ जाएगा, वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। मेरा प्रयास भी वही है सर, पिछले कई सालों से, कि हम सिविल सोसाइटीज, मैंने बहुत सारी फॉर्मेशन किया हुआ है ना, वो अपने मुद्दों पर आधारित है, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, आदिवासी, शोषित, दलित, वंचित, उनसे संबंधित जो तो इस पार्टी है, कुल मिलाकर के अच्छा होना चाहिए, और पूरे देश भर में तो मेरा 21, जी। इसमें 21 विधाएं हैं जिनके तहत लोगों को जोड़ना है। जितनी भी विधाएं आपने हाँ कही हैं देखा है मैंने। वो जी सभी जी जो है इसमें आप उनको जोड़ने का काम कर सकते हो, और यदि आपने आप पूरा सब लोग, संयुक्त प्लेटफॉर्म बना दिया है, ज्वाइंट प्लेटफॉर्म बना दिया हुआ है आपने, जैसा हाँ, डिजाइन किया गया है वो तो एक स्पष्ट एक शब्द में समझ में आता है ना। तो आप किस हद तक मोटिवेटेड हैं और किस हद तक भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं और प्रयासरत होंगे? आपने नाम क्या बताया, एक बार फिर से बताइए। श्रीकांत श्रीकांत वैष्णव, वैष्णव जी, तो कितने मोटिवेटेड हैं आप? सर मैं तो एक कर ही रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको संपर्क किया। आपने बहुत अच्छा किया। मैं चाहता हूं कि अब जो है हम फेस टू फेस संगोष्ठियों के लिए लोगों को तैयार करें, वो वहां पर पहुंचे, उनसे बातचीत अभी करें। 2 दिन पहले मैंने, जब मैं भोपाल में था, आपको कॉल किया था, आप इसी नंबर से चेक करेंगे तो आपको। अच्छा, एक्चुअली मैं मिस कॉल देने के लिए कह रहा हूँ, तो अब मैं मिस कॉल को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ। तो आप यदि कोई मतलब दोबारा फोन करते या मैं उसमें मैसेज वगैरह नहीं छोड़ते। नहीं 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 कॉल किया था मैंने अच्छा और दो बार के आसपास, 2-3 बार किया था कि जब तक बात ना हो जाए, है ना, अच्छा पर शायद आपका कहीं एंगेज आ रहा था। ठीक हाँ, मैं है, लगातार, नो एनी वन, मैं भी छिंदवाड़ा से हूँ प्रॉपर, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आए दिन आना जाना लगा रहता है ना। जी जी और अभी एक कुछ मोर्चा बना हुआ है, उसकी भी मीटिंग है, तो उसी संबंध में मुझे जाना हुआ है। वो 18-20 पार्टी हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं। अब ये सब छोटी पार्टियां यदि क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाएं और सब अपने अपने लोगों को जोड़कर यदि मेरिट लिस्ट में आ जाएंगी, तो अपने आप टिकट भी मिल जाएगा, अपने आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अभी मुख्यतः दो
मोर्चाओं की मीटिंग है, एक 5 की और एक 6 की, एक कोकराझार से एक एमपी है, इंडिपेंडेंट है, कल गोगोई की टीम से है, आप जानते होंगे नव कुमार सरनिया जी जी वो भी थोड़ा एंटरटेन कर रहे हैं, उन सभी में मिलना है और अभी लास्ट टाइम मिला था, वो भी फॉरेस्ट राइट्स को लेकर काम करते हैं, आदिवासी दलित राइट्स को लेकर। देखिए सब लोग मिला के जी, देखो मैं बड़ी सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ जी सर, यदि हम जो इतने समय तक काम किए हैं, यदि हमारे मेहनत के कारण हमसे ऑलरेडी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उन्हें हम अपनी लिंक के माध्यम से जोड़कर यदि मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे आ जाएंगे तो शिवराज सिंह की जगह मुख्यमंत्री आप होंगे। सही बात है, क्योंकि यहाँ तो मैथिली शरण गुप्त ने ये नहीं कहा है, मैथिली शरण गुप्त ने ये कहा है कि जो कोई भी अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट में नंबर 1 पे आएगा वो राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री बन जाएगा, नंबर 2-3 पे जो आएगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा, जो 35-40 में आएगा वो मंत्री बनेगा, जो 230 में आएगा वो विधायक बनेगा, और सभी लोग, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जो कि अपने आप को ये जिनका मानना है कि 2-2, 3-3, 4-4 बार चुनाव लड़कर वो ये मान के बैठे हैं कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है, ऐसे बापौती वाले सभी राजनेता यदि हम लोगों ने अपनी ईमानदारी के साथ सिर्फ सदस्य शपथ को पूरा कर लिया तो हम 9 दिन में 100 करोड़ के ऊपर होंगे। और अभी अपना टारगेट क्या है सर इस विधायक, ये जो विधानसभा हमारा है 5 राज्यों में, क्योंकि हमको मात्र 9 दिन की जरूरत है तो हमें केवल ईमानदार लोग चाहिए जो लोगों के बीच में जाएं, उनके साथ बैठें, क्राइम फ्री भारत के जो 4000 से अधिक वीडियो हैं, जो वीडियो उनके आत्मा के ज्यादा नजदीक हैं उनको साथ में बैठ के देखें, चर्चा करें और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहाँ जो उपस्थित लोग हैं उनसे मेरी चर्चा कराएं और यदि वो सभी लोग कन्विंस हो जाते हैं तो वो सदस्यी संकल्प को शपथ लें, और यदि हम अपनी सदस्यी शपथ को पूरा कर लेते हैं तो 9 दिन में महापरिवर्तन संभव है। तो मेरा तो ये मानना है कि जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी हम चुनाव लड़ेंगे ना 200% लड़ेंगे। अच्छा, लगभग कितने सीटों में आज की डेट पे बात कर रहा हूँ, वो तो पूरी 230 सीट पे हमारा तो मेरिट लिस्ट निकलना है, तो जो अधिक से अधिक लोगों को देखिए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे हम या फिर बहुत सारी पार्टियों को लेकर चलेंगे। देखिए इसमें सभी पार्टियों को सभी राजनेताओं का स्वागत है, अभी बहुत सारे लोगों ने अपनी सूची जारी कर दी है, बहुत सारे लोग असंतुष्ट होंगे, वो यदि उनको लगता है कि क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य से वो अपने आप को सहमत पा रहे हैं तो क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाएं और अपने लोगों को इसमें जोड़ें तो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो यहां से उनको टिकट मिल जाएगा, राइट, अपने आप टिकट मिल जाएगा, उनका जीतना 200% सुनिश्चित है, तो सभी का स्वागत है। लेकिन ये वो वाला जो हम उसे पूरा सहयोग और सपोर्ट भी करेंगे ना 200%। लेकिन इसमें एक चीज समझना पड़ेगी कि इसमें कोई समझौता या बंटवारा वाला चक्कर नहीं है, इसमें बड़े ओपन तरीके से जो जुड़ेंगे वो जितने अधिक लोगों को जोड़ के अब मेरिट लिस्ट में उनको आना होगा। तो यदि मान लो एक राजनीतिक पार्टी जुड़ती है और उसके सभी 230 लोग जो है मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो उसके एक ही पार्टी के सभी लोगों को टिकट मिले आएंगे, बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ये डिपेंड करता है, तो ओपन कंपटीशन है लोगों को जोड़ने का, बात समझ रहे ना, ये इसलिए बहुत जरूरी है, इसमें हमें अपनी लोकप्रियता लोगों के बीच में जाके संगोष्ठियां करके उनको जोड़ के साबित करना है, मुंह से जो है ना कुछ साबित नहीं करना है। वैष्णव जी मेरी बात आप समझ रहे हैं जी? बिल्कुल, आप कहां तक मेरी बात से सहमत हैं कि ये मॉडल और ये क्राइटेरिया? नहीं, मैं मॉडल तो मैं भी यही चाहता हूँ, बहुत अच्छा मॉडल है, पर चूंकि जो हमारा माहौल है और वातावरण है ना, और जो एक परंपरा बनी हुई है चुनावी के लोकतांत्रिक मूल्यों को लोग कितना सजग है ना, ये भी अभी होगा। अभी, अभी और तो इतना कम समय में हम उसे कैसे कवर कर पाते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, जो चंद्रगुप्त वाला जो मामला है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे आप जैसे लोग सब जुड़ते हैं जिन्होंने इतने सालों तक मेहनत की है वो अपने लोगों के बीच में जाके उन्हें जोड़ें, जो उनकी इस मॉडल को लेके या जिस बात से लेके जो शंकाएं कुशंकाएं हैं उसको जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझसे सीधे बात भी कर पाएंगे, और शपथ लेके यदि अपने लोगों को जोड़ेंगे तो बहुत आसान काम है, 100 करोड़ में से 90 करोड़ को सिर्फ जुड़ना है, किसी को नहीं जोड़ना है,
केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को ही 60 लोगों को जोड़ना है, केवल 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है, केवल 90,000 लोगों को ही 40 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। पूरा एक प्लान, हाँ 90 लाख लोगों को माध्यम से पूरा समझना होगा। और क्या स्ट्रेटेजी इसके लिए का हम? नहीं नहीं, बड़ा सिंपल सा है, देखिए शपथ ले रहे हैं हम, आप तो कर रहे हैं और एकदम सिंपल है, पर जो ये काम करेंगे उन्हें भी तो समझना होगा ना सर। तो ये तो बहुत आसान है, आप शपथ ले रहे हैं कि हमें 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ने का हम संकल्प ले रहे हैं और 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, ये सदस्यीय संकल्प है, राइट? चंद्रगुप्त जी जो संकल्प है उसमें तो आपको अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आना है और वो एकदम ट्रांसपेरेंट है। मेरिट लिस्ट जो है ना 2 बार ड्रॉ होगी, पहली मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, उसके आधार पर टिकट मिलेंगे। दूसरी मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी जिस दिन की वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उस रात में जो मेरिट लिस्ट ड्रॉ करेगी उसके आधार पर जो नंबर 1 पे होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, जो नंबर 2 और 3 पे आएगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं सर, मैं ये बात समझ गया हूँ। अभी जो हमारा किन क्षेत्रों पे और किन विषयों पर ज्यादा तूल पकड़ रहा है हमारा मिशन के माध्यम से या फिर पार्टी के माध्यम से, ये तो एक कॉपी में डिजाइन क्या हुआ मामला है, कागज पे नहीं, नहीं कागज पे कुछ नहीं है, इसमें बस लोगों तक पहुँचना है। जब ये कह रहा है पहुंचने के लिए कौन से संसाधन अपनाए जा रहे हैं, किन मुद्दों के लिए, यही है कि लोगों आप जैसे लोगों को और आप जैसे ढेर सारे समाजसेवी संगठनों को, बुजुर्गों को, सभी लोगों को जोड़कर वो अपने अपने एरिया में जाएं, 2 लोग 4 लोग 5 लोगों को जोड़ के उनका जो है ना एक कॉपी में जो है नाम पता और उनका मोबाइल नंबर लिखें, उनको साथ मोबाइल वो जो है ना वीडियो देखें जो उनकी आत्मा के नजदीक हो, जो उनके प्रश्न है उनके प्रश्नों का रुझान किया जाए। एक बार वो सहमत होते हैं तो उनको सदस्यीय संकल्प को शपथ दिलाई जाए और उनको भी 10-10 लोगों को जोड़ने की राह पे आगे निकाल दिया जाए। तो हमें किसी बाहरी व्यक्ति को कन्विंस नहीं करना है, यदि एक बार हम कन्विंस हो गए तो हमें अपने ही घर वालों को कन्विंस करना है, अपने रिश्तेदारों को कन्विंस करना है, अपने पड़ोसी और अपने मित्रों को कन्विंस करना है, अपने जो है आसपास रहने वाले युवाओं को कन्विंस करना है। तो इस तरीके की वो लिंक है और इसमें एक मॉडल ये भी है कि हमें हर जगह पर 33 लोगों का एक मॉडल खड़ा करना है जिसमें एक अध्यक्ष होगा, 5 जो है वो उपाध्यक्ष होंगे, 10 सहायक उपाध्यक्ष होंगे और 21 लोगों। तो अभी अपना किस स्तर तक पहुंच गया अपने संगठन का विस्तार? अभी अभी, अभी लोग बाग बहुत सोए हुए हैं, लेकिन मैं आशान्वित हूँ कि जिस दिन भी जाग गया उसके 9 दिन में काम कम्प्लीट हो जाएगा। हाँ, अभी क्या हो रहा है कि जैसे हम 12-15 हजार लोग जुड़े हुए हैं, राइट, और वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं, तो अपनी जगह पे खड़े रहेंगे तो बरसों निकल जाएंगे। यदि यदि आज हमारे लोग जग जाएं और वो 10-10 को जोड़ने लगे तो आज हम जो है ना 1.5 लाख हो जाएंगे रात तक। कल तो किसी को प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है सर अधिकृत रूप से? किसको? किसी को भी? अभी जिसको दी थी वो कुछ ठीक काम नहीं कर रहा है, तो जो भी सामने आएगा, जो जिम्मेवारी निर्वहन करने के लिए तैयार है उसे दे। हमें तो हर स्तर की जिम्मेवारी बांटना है, तो हम जो है लोकबाग आ गया है, हम उनको देने के लिए तैयार हैं। यदि आप आएंगे आएंगे, और यदि आपको राज्य स्तर की चाहिए तो आप राज्य स्तर की बताइए, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम अध्यक्ष किसी को नहीं बनाएंगे। जो 5 उपाध्यक्ष हैं उनमें से जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको जो है ना अध्यक्ष पद पर प्रमोट करेंगे, क्योंकि मैंने ये देखा कि जिसको जो पद दे दिया उसके बाद उसने काम करना और बंद कर दिया। मतलब एक बड़ा हमने नेगेटिव इम्प्रेशन देखा है कि जब तक उसको हमने पद नहीं दिया था तब तक वो खूब मेहनत कर रहा था, जिस दिन पद दे दिया उस दिन वो फैल गया, उसके बाद उसने कोई काम नहीं किया। तो हमारा ये मानना है कि हम किसी को अध्यक्ष ना बनाए, हम उपाध्यक्ष 5 बनाएंगे और जो 5 में से ज्यादा अच्छा काम करेगा 1.5 महीने देखेंगे और इसके बाद उसे जो है अध्यक्ष पद का जो है ना दे देंगे। क्योंकि ये जो है अपने जो संभावित प्रत्याशियों का भी एक है, संभावित प्रत्याशियों का तो एक ही मॉडल है, लोगों को जोड़ रहे हैं। आज भी मेरिट लिस्ट जो है ना आज मध्य प्रदेश से नहीं, ठीक है, जो अपने पुल बनाया है, ब्रिज बनाया है, एंट्रेंस बनाया है, इसमें पार कितने हो पाए हैं? काफी, देखिए उसमें तो सिंपल मेरिट लिस्ट है ना,
100 लोगों को ऊपर करने जोड़ने वालों की संख्या इस समय लगभग जो है कितनी हो गई है मेघा से 70 के लगभग है इस समय, राइट। तो 70 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं चंद्रगुप्त के बनने के लिए, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब जो है 100 लोगों को जोड़ना बहुत कठिन थोड़ी है। यदि वो 100 लोगों को जोड़ लेंगे तो 230 का जो मिनिमम बार है, हमें कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त की यात्रा तब प्रारंभ होती है जब आप 100 लोगों को जोड़ लेते हैं। तो अभी 100 लोगों को जोड़ने वाली जो रेस है उसको जो है ना हमने मुश्किल से जो है अभी 60-70 लोगों ने ही उसे पूरा किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग जो है देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, जिस दिन जागृत हो जाएंगे उस दिन ये रेस बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। और इससे तो बहुत हमें जो है सर मतलब क्या है ये जो है कोई मतलब किस विचारधारा पे चलना है, लेफ्ट है राइट है? ये कोई लेफ्ट राइट नहीं है, ये नेशनलिस्ट विचारधारा है जो 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदल देगा। और उन जो है ना 2019 नेशनलिस्ट की तो दोनों की अपनी अपनी परिभाषा है, तो क्या ये कोई लेफ्ट राइट सेंटर नहीं है, कोई लेफ्ट राइट सेंटर नहीं है, ये केवल एक ही है, सीधी लाइन में चल के नेशनलिस्ट बन के 21 लक्ष्यों से देश को बदल दो। 2029 तक सबसे गरीब परिवार की जो है आमदनी परचेजिंग पावर 2 लाख रुपए पर मंथ होगी, समृद्ध बना पर मंथ। यस, मतलब जो है आज जो है शायद 1% लोग भी इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, जबकि 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 जो है सबसे गरीब व्यक्ति 2029 में जो हमारा एम्प्लॉयमेंट गारंटी मॉडल है उसके तहत 2029 तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जो सबसे गरीब व्यक्ति होगा उसके परिवार की आय 2 लाख रुपए पर मंथ होगी। तो भारत जो है पूरी तरह से समृद्ध होगा, भारत के नियम गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो दुष्ट अंग्रेजों वाली 1857 की क्रांति को कुचलने वाली नहीं होगी, यह व्यवस्था जो है पूरी तरह से पारदर्शी होगी, अकाउंटेबल होगी। तो अभी जो नियम कानून बदल रहे हैं का सपोर्ट करेंगे? वो तो घटिया है, उनमें तो जो है ना थोड़ी सी सर्जरी है, वो तो बेकार का केस है। वो तो जो है मैथिली शरण गुप्त के दबाव में थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहे हैं, उससे थोड़ी कुछ व्यवस्था बदलने वाली है। ये तो जो है क्राइम फ्री भारत जो कह रहा है कि पहला जो है बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी, गलत FIR दर्ज करने वाला जेल में सड़ जाएगा। दूसरा कह रहा है कि आज की पुलिस जिन साक्ष्यों को इकट्ठा नहीं कर पा रही है, सोच भी नहीं पा रही है, वो 7 से 15 दिन की अवधि में न केवल इकट्ठे होंगे बल्कि उसे हैश वैल्यू से लॉक कर एडिशनली सर्टिफिकेट क्रिएट होगा और चैन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट ऑर्डर क्रिएट होके अटैच हो जाएंगे और ये इविडेंस इनफॉलिबल हो जाएंगे। बिना कोर्ट जाए वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन में, 3 दिन में भी अधिकांश केसेस में न्याय होगा, अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। चौथी सर्टेनिटी कह रही है कि डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से अपराधी अपराध करने निकलेगा, अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पांचवी सर्टेनिटी कह रही है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन, तो अपराधियों के बारे में हर जानकारी डिजिटल चित्रगुप्त को होगी, लिहाजा अपराधी को यदि हम खाली पेट छोड़ेंगे तो वो खाली पेट के लिए जो है ना जेल जाने के लिए अपराध करने लगेगा, लिहाजा सर्टेनिटी के साथ उसे पुनर्वासित किया जाएगा। क्राइम फ्री भारत का जो कृषि मॉडल है उसके तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ रही है। भारत में टैक्स नहीं लगेगा और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी। टैक्स लेने का तो कोई प्रावधान है ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, टैक्स लगेगा ही नहीं, इट विल बी टैक्स फ्री कंट्री और भारत के पास विकास के लिए 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी। भारत में जो है ना पेपर करेंसी विलोपित हो जाएगी और ट्रांजैक्शन फीस 2% की लगेगी, उससे इतनी धन की वर्षा होगी कि जो आज भारत सरकार कमा पा रही है उससे 10 गुना पैसा जो है उसको जो है ना पेपर फ्री करेंसी मॉडल के तहत मिलेगा। तो भारत सरकार जो आज कमा पा रही है उससे 20 गुना ज्यादा जो है धन उपलब्ध होगा और भ्रष्टाचार करना संभव नहीं होगा। जैसे ही पेपर करेंसी गायब होगी आपकी 99% समस्याएं खत्म हो जाएंगी, इंक्लूडिंग भ्रष्टाचार, किसी का भ्रष्टाचार करने की औकात ही नहीं बचेगी। अब तो AI भी निकल गया है सर, अब तो पूरा डिजिटल भारत हो गया, डिजिटल रूप से क्राइम नहीं होगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी हम अपना करेंसी को डालते हैं तो उस पर भी ना जाने कितने नहीं, अकेला ब्लॉकचेन नहीं रहेगा, जो आज कर रहे हो ये क्रिप्टो करेंसी बेस नहीं रहेगा,
इट विल बी पूरी 100% नहीं नहीं देखिए मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ, ब्लॉकचेन तो टेक्नोलॉजी है ना, उससे आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, किसी ने क्रिप्टो कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। हाँ, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होगा फॉर लॉकिंग एंड वेरिफिकेशन उसका केवल, बट इट विल बी हैविंग 100% ट्रेसिबिलिटी एंड वी वुड बी इन पोजिशन टू प्रोसिक्यूट एनीबडी हु विल बी। और डिजिटल क्राइम तो साइबर क्राइम तो हो ही नहीं सकता है, साइबर क्राइम तो आज की हमने बेकार व्यवस्था बनाई है उसके कारण हो रहा है। आप ये बताइए साइबर व्यवस्था जो बनाएंगे या फिर व्यवस्था को, ये ऑलरेडी बनी हुई है, मैथिलीशन को तो फिर इसको संचालित करना होगा। अब संचालित करने के लिए कितने ऐसे जागरूक संविधान के जागरूक नागरिक, वो सब बना हुआ है। मैथिलीशन ग्रुप ने 2017 में ये मॉडल भारत सरकार को भेजा था, दो साल तक इसका परीक्षण किया गया, 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। 2019 से आज तक मैं ही उसका प्रोजेक्ट हेड हूँ। मुझे अब विश्वास हो गया है कि दुष्ट राजनेताओं के रहते कुछ नहीं हो सकता है, लिहाजा मैथिली संघ इस रास्ते पर निकले हैं कि पहले नेताओं को पराजित करो, फिर बाकी तो मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। हाँ, तो एक्सपर्ट से जो है ना उसको और प्रस्तुत किया जाएगा, फिर पब्लिक के पास ले जाया जाएगा, फिर जो चंद्रगुप्त भी होंगे वो बाहर पहले चर्चा करेंगे, फुल ड्रेस रिहर्सल पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर होगी। और अभी तो कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, ना चुनाव में है ना चुनाव के बाद है, डेमोक्रेसी नहीं है। आप ये बताइए जो आपका चुना हुआ नेता है उसकी औकात है कि वो अपने पब्लिक की बात कहे? वो पार्टी लाइन से बना हुआ है, यदि उसने एक शब्द भी बोल दिया तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, वो कहीं का नहीं रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो है आज तो कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, इट इज ए बिगेस्ट हिपोक्रेसी इफ वी से कि इंडिया इज ए बिगेस्ट डेमोक्रेसी। मुझे तो भारत में डेमोक्रेसी दिखाई नहीं दे रही है, आपको नहीं है? नहीं है कोई डेमोक्रेसी, नहीं है बिल्कुल कोई डेमोक्रेसी नहीं है। लास्ट नाइट को ही, कल 8 बजे से मेरा जो एक मैं जुड़ा हुआ था एक मीटिंग में, वहाँ पर यही चर्चा हुई कि 1807 से लेकर 1909 और 1919 तक भी कोई डेमोक्रेसी की बात नहीं है, कोई रिपब्लिकिज्म की बात नहीं है, है ना, और कोई इलेक्शन की बात भी नहीं है, ये सब उपजा कैसे, उस विषय पर भी चर्चा जारी थी कल जी। वो मुझे मालूम है, वो नेहरू जी के दिमाग की उपज थी, और एक ऐसा जो है ना घटिया पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बना लिया जिससे पार्टी गठबंधन में जैसे ही बना, नहीं वहां तक भी ठीक था, पर ये तो 89 से राजीव गांधी के समय से रजिस्टर होना चालू हुआ है ना पार्टी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ही गंदा बनाया है, यदि हम उसमें ही प्रावधान कर देते कि जो है ना घटिया लोग नहीं आ पाएंगे, क्रिमिनल लोग नहीं आ पाएंगे। अभी देखिए पिछले 8 सालों में 3 PIL सुप्रीम कोर्ट में लगी, उसका मजनून यही था कि जब इस देश में चपरासी जो कि सबसे छोटा पद होता है उसके लिए आदमी को साक्षर और साचरित होना चाहिए, और यदि पुलिस की नेगेटिव रिपोर्ट हो जाती है तो उसका चयन होने के बाद भी उसे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। फिर इस देश के जो कानून के निर्माता और भाग विधाता जो कि कानून के निर्माता हैं और भाग विधाता बन बैठे हैं, ये राजनेता जो है अनपढ़, गमार, बाहुबली, दुष्चरित्र, अपराधी और जितने भी घटिया एडजेक्टिव हो सकते हैं उसके धनी क्यों हैं? और तीनों बार जो है पार्लियामेंट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल कर्ता से सहमति जाहिर की और उन्होंने एक लाइन के जो है अमेंडमेंट को सुझाव दिया कि केवल एक लाइन का अमेंडमेंट कर दिया जाए कि आपराधिक चरित्र के लोग जो है उन्हें टिकट की पात्रता नहीं होगी। तो इन दुष्ट राजनेताओं ने वो तो किया ही नहीं, उसका उल्टा किया। देखिए 2019 से 2024 का जो अभी वर्तमान पार्लियामेंट है, एमपीज के अपने एफिडेविट के हिसाब से 44% मेंबर जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और 29% जगन अपराध का रिपोर्ट भी है ना ये तो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 29% उसमें जघन अपराध के अपराधी हैं, हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग आती, राइट। अब जो है बिल्कुल ये संख्या बढ़ के उत्तर प्रदेश का जो पिछले वर्ष चुनाव हुआ उसमें 403 सदस्यों में से 205 जो है आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, विच मेक्स इट 51%। और अभी जो इस वर्ष 10 मई को चुनाव हुए हैं कर्नाटका के, उसमें ये संख्या 55% बढ़ गई है। तो बताओ हमारे कुछ दिन 100% हो जाएगी, वो हम जैसे लोग को मरना होगा, नहीं तो वो मार देंगे। नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, आप क्राइम फ्री भारत मॉडल से जुड़ जाइए, लोगों को जोड़िए, ये सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। ना जो है ना नरेंद्र मोदी जीतेंगे, ना अमित शाह जीतेंगे, ना जो है ना राहुल गांधी जीतेंगे, ना कांग्रेस जीतेगा, ना बसपा जीतेगी, सिर्फ जो है ना चंद्रगुप्त जीतेंगे। बस केवल एक ही काम करना है, शपथ को पूरा कर दीजिए, वो भी बहुत छोटा सा है, 10 लोगों को जोड़ने का, 9 दिन का 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प,
और ये तो सिर्फ संकल्प है, हकीकतन तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। कितना आसान है, क्या खुद को इतने बड़े परिवर्तन के लिए क्या खुद को जुड़ जाना कठिन है? कोई कठिन नहीं है। क्या 9% लोगों को 10 लोगों को जोड़ना, अरे 5-6 तो परिवार के लोग ही हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल बिल्कुल। एक आध जो है ना पड़ोसी, एक आध रिश्तेदार, एक आध मित्र, 10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन है? आपका 99% काम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी तो इतना सरल है कि एक व्यक्ति को ही 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त ने तो 1390 से ज्यादा लोगों को जोड़ा कर रखा हुआ है। तो फिर जो है इसको जागा जाए और महापरिवर्तन जमीन पर उतार दिया जाए। जी जी, अभी आप भोपाल में ही है ना सर? मैं भोपाल में हूँ। तो आपसे कब मुलाकात, दर्शन लाभ हो सकते हैं? आप तो जब चाहो तब आ जाइए। एक दिन पहले आपको फोन कर दूंगा मैं आपके प्रोटोकॉल के लिए, है ना? बिल्कुल, है ना, जिससे आसानी जाएगी अभी जब भी आना होगा। बिल्कुल। और ये मुझे आप, यही मेरा नंबर भी है, आप मुझे भेजिएगा। आपने अपना नाम श्रीकांत वैष्णव बताया ना? जी जी, श्रीकांत वैष्णव। हाँ ठीक है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ और मैं आपको एक स्पेशल ग्रुप, जो कि पदाधिकारियों, क्राइम फ्री भारत के पदाधिकारियों का ग्रुप है, उसमें आपको जोड़ लेता हूँ और उसमें आपको एडमिन भी बना देता हूँ। तो आप जिन, जो आपसे जुड़े लोग हैं, जो विभिन्न पार्टियों जिनसे आप बात कर रहे हैं, उनको भी जोड़ लीजिए, क्योंकि उनको भी जोड़ लेते हैं और जब भी आना होता है एक बार मुलाकात करते हैं पूरा और मुलाकात होती रहेगी, हम काम चालू कर रहे हैं। हमें जो है मजदूरों को जोड़ना है, टैक्सी ड्राइवर को जोड़ना है, किसानों को जोड़ना है, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों को जोड़ना है, छात्रों को जोड़ना है, समाज सेवी संगठन। तो पार्टी भी रजिस्टर हो चुकी है सर अपनी ना? पार्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में है। अच्छा, तो अभी किस स्टेज पर है, क्या हुआ है अभी? वो सब हो रहा है, हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा। जब इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे जिनकी इतनी सारी पार्टियां हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, किसी भी पार्टी का टिकट दे देंगे, उसमें कौन सा दिक्कत है? नहीं, ऐसी पार्टियां भी अपने पास है ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। कानून की समीक्षा को लेकर, मतलब जो लीगल रिफॉर्म को लेकर काम कर रहे हैं, है ना, और जो कानून पर एक अच्छी क्रिटिक्स कर रहे हैं, है ना। देखो अभी हम आपको, मैं उनसे भी नहीं, चाहो तो मैं आपका नंबर उनको देता हूँ या उनका नंबर आपको देता हूँ, आप दोनों का उनसे भी बात कर लीजिएगा, उनका भी पार्टी है। आप तो एक काम करिए, एक पूरी सूची बना के मुझे दे दीजिए और मेरा नंबर उन सबसे शेयर कर लीजिए। मैं एक एक करके सबसे बात करूंगा, यदि वो कंफर्टेबल होंगे तो वीडियो पे बात करूंगा, लाइव बात भी कर सकता हूँ, क्योंकि लाइव बात करने से क्या होगा, दूसरे लोग भी मोटिवेटेड होंगे, ऊर्जाकृत होंगे। अभी आपका अगला कार्यक्रम कब है, ऑनलाइन वाला? आज डेली चलता है ना? आज रात को 9 बजे है। अच्छा, कल 9:30 बजे। तो आप उसमें जुड़िए, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप जुड़िए उससे। आप मुझे लिंक भेजिए और मैं उनको भी लिंक भेजता हूँ, तो आप उनको भी समय दीजिएगा बोलने का। हाँ बिल्कुल देंगे, तो जिससे वो अपनी बात रख पाए वो, और हो सके तो अपना पर्सनल जैसा ही रहेगा वो, क्योंकि जो उतनी जिसकी क्षमता है समझने की कानून को, है ना, आम आदमी को। और देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी हमें पेचीदगियों पे बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी मॉडल डेवलप्ड है उसके बारे में हमने ऑलरेडी ये तय किया है कि वो एज इट इज इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट से चर्चा करके उसमें जो भी और सुझाव आएंगे, पहले उससे परिष्कृत करेंगे, राइट, इम्प्रूव करेंगे। इसके बाद जो है वो फिर पब्लिक के बीच में जाएगा, 45 दिन तक पब्लिक में उसकी रिकॉर्ड्स होगी और वो भी लाइव होगी, तो उससे जो सुझाव निकल के आएंगे वो उसमें डाले जाएंगे। इसके बाद चंद्रगुप्तों से उन पर चर्चा होगी, फिर चंद्रगुप्तों के जो सुझाव हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके फुल ड्रेस रिहर्सल बाहर होगी। इसके बाद जो है उसे विधानसभा या पार्लियामेंट में केवल जो है फुल परेड के लिए जो है ना अंदर जाएगा। तब तक जो है ना हमारे चंद्रगुप्त, जो कि पहले चाहे सब्जेक्ट के अनभिज्ञ क्यों ना हो, तब तक वो जो है ना सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जैसे बन जाएंगे और जो पार्लियामेंट और विधानसभा में बहस होगी वो विश्व स्तरीय बहस होगी। तो मेरा ये मानना है कि अभी हमें सिद्धांत की बात करना चाहिए, हमें मॉडल पे ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, हमें कानून की बारीकियों पे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन पे हमें रिफाइन करने का बहुत समय मिलने वाला है और उस जिस समय हमारे हाथ में शक्ति होगी तो फिर ये रिफाइनमेंट भी बहुत फास्ट हो जाएगा,
जब इच्छा इसी इच्छा शक्ति के साथ हम जो है ना सत्ता में आ रहे हैं, तो फिर हमारे लिए कोई बात कठिन नहीं होगी। बात मान रहे हो कि नहीं मान जो रहे? अभी जो अपने प्रत्याशी रहेंगे हम उन्हें क्या क्या सहयोग करेंगे सर? उनको कोई सहयोग की उन्हें जरूरत ही नहीं है। हम तो उल्टा कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा व्यक्ति के समय जो चुनावी राजनीति एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखिए, हमें अब राजनीति को एक मिनट के लिए भूलना पड़ेगा, राइट? आप जो है जो भी राजनेता कर रहे हैं, हम उनमें से एक काम भी नहीं करेंगे, राइट? और हमारा तो यहां तक कहना है कि जो हमारे चंद्रगुप्त मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनको जो है टिकट मिल जाएगा, वो अपना नामांकन भरके प्रत्याशी हो जाएंगे। हम अपने व्यक्तियों से कह रहे हैं कि भाई साहब आप इसे गोपनीय रखिए। तो आप कहेंगे साहब गोपनीय रखेंगे तो जीतेंगे कैसे? क्योंकि यदि वो गोपनीय नहीं रखेंगे, यदि वो कुछ लोगों के पास जाके कहेंगे कि मैं कैंडिडेट हूं, मुझे टिकट दो, मुझे वोट दो, तो वो 1,000 लोगों को जोड़ रहे हैं या 2,000 लोगों को जोड़ रहे हैं। यदि उनको सभी 2,000 लोग भी यदि वोट दे देंगे तो उनकी तो भी उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो ये मॉडल तो जो है, जो सदस्य बन रहा है चाहे किसी ने भी जोड़ा हो, वो छत पर चढ़ रहा है, और जो मेरिट लिस्ट पे आएगा वो उसके नाम पे शपथ भी लेगा, थाली बजाएगा, दीपक जलाएगा और गगनवेदी उद्घोष करेगा कि श्रीकांत जो है वैष्णव जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा और वोटिंग के दिन जाके पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन में उनके सामने का बटन भी दबाऊंगा। तो आपकी जो जीतने की स्ट्रेंथ है, वो पोलिंग वाला जो सदस्य है वो खुद छत पे चढ़ के कह रहा है। तो मतदाता सवाल तो बिल्कुल यही था सर, है ना, जो कि आपने बताया है। हाँ। और इसमें भी वेरिएशन है कि जो राजनीति है वो एक तो संगठनात्मक राजनीति है, कह रहे हैं कि हम वर्तमान जो इलेक्शन पॉलिटिक्स है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। श्रीकांत जी एक मिनट, हमको समझना पड़ेगा। नंबर वन, एक तो हमें अपने मॉडल में विश्वास रखना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, हमें आज के राजनेताओं जैसा पेश नहीं आना है, नहीं तो जनता हमसे वही अपेक्षा करेगी जो इन राजनेताओं से कर रही है, राइट? जनता को तो कोई अपेक्षा नहीं है साहब। आप 500 करोड़ का घोटाला करो, 100 करोड़, 1,000 रुपए महीने में हमें बांट दो, काम खत्म। अरे आप चिंता मत करो, हम तो उल्टा कह रहे हैं। पहले तो नेता अकेला खाता था, तो साथ में खिला भी रहता। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम ये कह रहे हैं कि वो आप जिसको जो आपको खिला रहा है उससे ज्यादा हम जो है ना इन्हीं राजनेताओं को लूटेंगे, और आप वोट जो है ना हमारे चंद्रगुप्त को देंगे, क्योंकि आप जो लूट रहे हैं वो हमारे आदेश के तहत लूट रहे हैं। और देखो, जब हम रोज शपथ लेंगे तो शपथ के माध्यम से हम जो है ना इस महापरिवर्तन को लेके आएंगे, लिहाजा हमें इसमें विश्वास करना ही होगा। और इसकी टेस्टिंग चालू हो जाएगी, हम किसी ना किसी एक मुद्दे पे अपने लोगों को छत पे चलाएंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और सरकार को कुछ दिन झुकाएंगे। क्योंकि समय तो इतना बदल गया है, पहले के जो होते थे भ्रष्टाचारी वो मीडिया वाले को सेट करते थे, ब्यूरोक्रेट्स को सेट करते थे, आईबीसी आईबी को सेट करते, अब तो सीधा जनता को सेट कर ले रहे हैं वो। जनता जितनी औकात उतना उनको मिल जा रहा है। देखो जनता रिसीविंग एंड पर है, जनता तो लुटपुट रही है, जनता को तो एहसास ही नहीं है श्रीकांत जी, जनता को एहसास नहीं है। जनता को हमने इतने वर्षों में इतना पागल बना दिया है, अब वो मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा हो गया है। देखिए आपके संविधान ने कहा है आर्टिकल 47 में कि कोई भी नशीली चीज जो है वो प्रतिबंधित की जाएगी। इन दुष्टराज नेताओं ने इन 75 सालों में लाइसेंस बना दिए ना, लाइसेंस लो आप, बेचो, क्या दिक्कत है उसमें? तो ये संविधान के विरुद्ध है ना, आप लाइसेंस नहीं दे सकते। संविधान के विरुद्ध तो आर्टिकल 39 भी जो समान वेतन की बात करता है। हाँ तो ये तो सब काम उसके विरुद्ध कर ही रहे हैं ना, है ना? आर्टिकल 46 जो है, हाँ। अपने कुपोषण को लेकर बात करता है, जिसमें अपना मध्यान्ह भोजन पर घोटाला, नया और काम मिल गया लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ, सामर्थ्य पैदा करिए, उनको भोजन मत दीजिए, उनको भोजन क्या सामर्थ्य दीजिए, जो हम कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तहत 2029 तक सबसे गरीब परिवार 2,00,000 रुपए पर मंथ की अर्निंग होगी उसकी। आज तो 2,00,000 रुपए की अर्निंग कर पाने वाले 1% लोग भी नहीं होंगे, तो भारत कितना समृद्ध हो जाएगा? किसी को तो सोचना पड़ेगा, किसी को तो विश्वास रखना पड़ेगा, किसी को तो आर्मी को खड़ा करना पड़ेगा, किसी को तो जो है ना घर घर में लोगों के साथ बैठ के उनके साथ वो वीडियो देख के चर्चा करके और उनके समस्याओं का जवाब देना होगा। आप ये बताइए, एक साथ 21 लक्ष्यों से पूरा देश बदल जा रहा है, एक भी राजनेता नहीं जीतेगा, क्योंकि एक भी राजनेता जीतने लायक है ही नहीं, ना उसके पास शिक्षा है, ना चरित्र है, ना चिंतन है, ना लक्ष्य है, उल्टा जो है अपराधी है, दुश्चरित्र है।
नहीं, वो तो देश सेवा करना चाहता हूँ। देश सेवा करने की अरे क्या 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 वो योग्यता है बताइए, इसके क्या तो पैरामीटर है? मैं ये कह रहा हूं वो नहीं है, दैट इज हाईली आई एम सेइंग, यही मैं कह रहा हूं। जो है आज आपके या राजनेता तो ने, हाँ चपरासी बनने के लिए परीक्षा पास करना होता है, चपरासी छोड़ो, दैट बच्चे प्रिसाइजली को आई एम स्कूल में सेइंग। एडमिशन लेने के लिए परीक्षा पास करना होता है, देश सेवा करने के लिए कौन सी परीक्षा पास करना होता है? तो और देश ये सेवा के नाम पे आप चाहे जो करिए। नहीं, वो जो है ना, इन्होंने घटिया कानून बनाया हुआ है, वो नहीं सब नहीं वो तो बदलेंगे। पूरा वो तो बना हुआ, इसलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो हमारी और आपकी क्या जरूरत पड़ती ना। तो अब हमें ये चर्चा आपस में ना करके जनता के बीच में हाँ, पहुंच के जनता के लिए करनी उन्हीं को चंद्रगुप्त चाहिए। बनाना है ना। देखिए, बिल्कुल हम और बिल्कुल। आप जो है, जो भी अधिक से अधिक लोगों को जोड़े वो चंद्रगुप्त कहलाएगा। अभी विद्वत्ता पे चंद्रगुप्त नहीं बनेगा, मेहनत पे चंद्रगुप्त बनेगा। बात समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल सर जी। और ये सिर्फ शपथ की जागने वाली बात है। देखो, आज जैसे जूम करिए 12,000 लोग जुड़े हुए हैं, यदि आज ये शपथ के हिसाब से 10-10 लोगों को जोड़ें तो आज हम जो है ना 1.5 लाख हो जाएंगे, रात तक के नहीं हो जाएंगे। सही है। और अगले दिन जो है ना हम 15 लाख हो जाएंगे, उसके अगले दिन हम 1.5 करोड़ हो जाएंगे, उसके अगले दिन हम 15 करोड़ हो जाएंगे, और उसके अगले दिन तो हमारा 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। 4 दिन चाहिए केवल, लेकिन लोग बाग जाग नहीं रहे, यही प्रॉब्लम है। और काम भी कठिन नहीं है, मतलब 100 पूरे जो है ना 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, खुद जुड़ जाना है। तो इतने बड़े महापरिवर्तन को खुद को जोड़ना कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं, श्रीकांत बैसरो जी, क्या कठिन है? तो बिल्कुल फिर नहीं हम उस है। पर बहस क्यों करें? हम लोगों के पास जाएं, जोड़ें, पहले इन दुष्टों को पराजित करें। बाकी चीज तो मॉडल ऑलरेडी बने हुए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि वो मॉडल नहीं थोपे जाएंगे, उनपे राष्ट्र स्तरीय बहस होगी। पहले एक्सपर्ट के साथ बहस होगी, फिर पब्लिक के साथ बहस होगी, और फिर चंद्रगुप्तों के साथ बहस होगी। जब पूरा फुल ड्रेस रिहर्सल पार्लियामेंट के बाहर हो जाएगा, तब अंदर जो है केवल फाइनल शो होगा, और वो विश्व स्तरीय होगा। आप बताइए, इसमें ना आपके जेब के 5 पैसे खर्च हो रहे हैं, ना आप चक्का जाम कर रहे हैं, ना आप जुलूस निकाल रहे हैं, ना जंतर मंतर पे जा रहे हैं। अभी देखिए आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, जा रहे हैं लोगों, वो जो है ना दिल्ली पुलिस वहां बैरिकेड लगा के झंडे बरसाती है। ये तो इतने दुष्ट लोग हैं कि इन्होंने किसान आंदोलन में 800 लोगों को मार लिया। ये तो इतने दुष्ट लोग हैं कि वो अजय शर्मा का लड़का, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है, गृह राज्य अजय मंत्री मिश्रा है, टेनी जी, उसके उसके लड़के ने जो है ना 4 किसानों को जो है ना अपने SUV में कुचल दिया। आज भी वो जो है ना गृह राज्य मंत्री बन के बैठा हुआ है। सही बैठा है, है कि नहीं बैठा है, बताइए मुझे आप। बिल्कुल बैठा है। हाँ, तो मैं ये तो बिल्कुल मोटी गया था खाल के समय लोग हैं। ब्रिजभूषण जो है ना अभी भी जो है ना बैठा हुआ है, उसका क्या बिगड़ा है? क्या बिगड़ा है उसका, बताइए। तो कुछ नहीं बिगड़ा। ये तो दुष्ट लोग हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। अच्छा, हमारा ये मानना है कि अब समय जो है मॉडल की इंट्रिकेसी पे चर्चा करने का है ही नहीं। मॉडल वो अपन ने बनाए हैं, अपन को आगे रिफाइन करना है, उस पर चर्चा होकर रिफाइन हो जाएगा। पहले तो जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर इन, और उनको छत पर चढ़ाकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर, यदि हमने एक बार जो है ना ये मुहिम चालू कर दी, तो आज जब कोई संगठित प्रयास नहीं है, तब भी बहुत सारे गांवों में जो है ना राजनेता घुस नहीं पा रहे हैं। आज के दिन पेपर में रोड न्यूज पढ़ लीजिए आप, जब जी जो जी है जब संगठित प्रयास होगा थाली बजाकर दीपक जला के, तो इन लोगों को न्याय, अपना वोट मांगने में जो इनको इनको शर्म महसूस होगी। तो श्रीकांत जी, भरोसा रखिए, यदि इतने साल की शर्म मेहनत जी सर, की अपने है। को तगड़ी वाली बनाना पड़ेगी जिसमें शर्म हो, नहीं तो जो शर्म को छोड़े वही नेता की पहली योग्यता बताई है। नहीं, मेरा ये कहना है कि अब ये बहस हम लोग करने की बजाय हम जनता तक पहुंचे, उनके जो है क्या प्रश्न है, उनको एक समाधान हम लाइव वीडियो मीटिंग के साथ करें, और उसमें जो है ना 100 100 जगह के हम 100 लोगों को एक साथ हैंडल कर पाएंगे। यदि हम दिन में जो है ना उसको 24 मीटिंग में या 12 मीटिंग में बांट देंगे, तो एक साथ हम जो है ना 2,400 जगहों को कवर कर पाएंगे। ये क्षमता है। तो ये हम अब क्षमता हमें पूरा जो है प्रयास ना करेंगे हम। अब हमें जाके गांवों में कोई मीटिंग नहीं करना है। यदि गांव में मीटिंग करेंगे तो प्रधानमंत्री के लिए लोग नहीं पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए ये गाड़ियां चलाते हैं, 500 500 रुपए देते हैं, लंच डिनर की व्यवस्था करते हैं, तब जो है ना अनरिलेटेड अनकनेक्टेड लोग पहुंचते हैं। तो हम क्यों करें वो काम, क्यों करें? कोई नहीं आएगा आपको सुनने के लिए। तो बेहतर तरीका ये है कि जो जिससे जुड़ा हुआ है उसके बीच में जाए, उसको बिठाए, यदि वो जमीन पर बैठे हैं तो खुद जमीन पर बैठे, वीडियो सुने, उनकी चिंता क्या है, उनके संभव क्या है, उनको समझें,
उनका जो है मैथिली शरण गुप्त और सभी लोग जो है उनका 1-to-1 जवाब दें, और उनके जो है ना उनको जो है ना जीत कर फिर जो है उनको शपथकृत करके उनको आगे के लोगों को जोड़ने के लिए जोड़े, 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। लेकिन हम वो नहीं करेंगे जो आज के राजनेता कर रहे हैं, और वैसे भी हम जो ना, ना ना उतनी हम में शक्ति होगी, ना उतना पैसा होगा, ना हम उन जैसा कुछ कर पाएंगे, हम करेंगे ही नहीं। इससे तो बेहतर है कि हमारी एक सीट भी ना आए। बात समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यदि हमारी एक सीट भी नहीं आ रही तो हमें दिक्कत क्या है, ये बताइए ना। हम ना तो 5 पैसे खर्च कर रहे हैं, तो हम आज लिए नहीं तो 2024 के लिए हमने ग्राउंड तो पैदा कर लिया ना। सही है ना, तो हमें जीतने की चिंता नहीं है हम, लेकिन हम आज के राजनेताओं जैसा कोई काम नहीं करेंगे। तो श्रीकांत जी, हमें आप सूची भेजिए, और आपको तो और पहले जुड़ते तो और अच्छा रहता, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, आज जुड़िए, ठीक है? और यदि आप मुझे पहले से दे देंगे तो हम उन लोगों को पहले बोलने का मौका देंगे। लेकिन मेरा एक निवेदन ये है कि हम मॉडल की बारीकियों में अभी ना जाएं, हमें केवल एक ही बारीकी पे जाना चाहिए कि हम कैसे इसे जमीन पे उतारें, हम में से कौन क्या जिम्मेवारी ले रहा है। आप, किस आप मुझे भेजिए ना सर, आप मुझे व्यक्तिगत भेजिए, है ना। जो मैंने देखा है वो तो देखा है, एक बार और देखना चाहता हूँ मैं, है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, भेजिएगा जरूर जरूर, फिर हम चर्चा करेंगे। जरूर जरूर जरूर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।